फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ बारबी और आज के एपिसोड का नाम है सिस्टर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह, आज मेरे पास तुम्हारे सरप्राइज है। ओह, मैं इधर हूँ रोजबेला। क्या हुआ? ओह देखो, ओह वाह, कितना क्यूट पपी है। तुमने कहाँ से लेकर आया ये? कितना क्यूट है। हाय, वाह वाह, ओह तुम कितनी प्यारी आवाज निकालते हो। तुम कहाँ से लाए? ओ ये मैंने क्लिनिक के बाहर था, इसे चोट बहुत लगी थी। मैंने इसको चेकअप किया, इसे ठीक किया और अभी एकदम ठीक है, पर ये मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। हाँ, तुम इतनी अच्छी हो, इतने केयर करती है एनिमल्स की। रफ रफ, ओ तुम कितने क्यूट हो। ओ थैंक्स बारबी। ओ मुझे लगता है तुम्हें इसे रखना चाहिए। चलो चेल्सी, कैली और रेनबो को दिखाते हैं, उनको पपीज बहुत पसंद है ना। ओ हाँ गर्ल्स, देखो मेरे पास क्या है। वाह पपी। वाओ रोजबेला आंटी, कितनी क्यूट पपी है। हाँ, कितनी क्यूट है। इसका नाम है मफिन, क्योंकि इसका कलर बहुत मफिन जैसा है। हाँ मफिन, ओ मुझे दो ना। ठीक है, मैं से नीचे उतारती हूँ। रफ रफ रफ, पोनी पोनी तुम नीचे उतर जाओ, मुझे रफ रफ। ओए कितनी क्यूट है। ओ ये कितनी क्यूट है। स्पार्कल तुम भी बहुत क्यूट हो। लगता है स्पार्कल को जलन हो रही है। ओ स्पार्कल, बस इतना याद रखना, हम लोग तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? और ड्रीम हाउस, तुम्हें क्या लगता है मफिन के बारे में? सो अडोरेबल है ये। ओ वो तो है। चलो मैं थोड़ी थक गई हूँ काम से। ओके। वाह, तुमने हमारी फ्रेंडशिप कुकीज बनाई है। ओ मुझे अभी भी याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे तो यही कुकीज खाए थे। ओ हाँ, बेस्ट फ्रेंड तुम और मैं। हाँ अलग है, जैसे ब्लॉन्ड एंड ब्लॉन्डेड। ओ हाँ, हम लोग बचपन में ऐसा करते थे, पर अब बड़े हो गए। बचपन में हम दोनों के बालों का कलर भी चेंज था ना। हाँ अभी भी है, जैसे हमारे उसमें आता है अलग है जैसे ब्लॉन्ड एंड ब्लॉन्डेड। हाँ हम लोग बहुत अलग है, पर हम लोग बेस्ट फ्रेंड है। ओ हाँ। चलो अपनी कुकीज खाते हैं। टिंग टोंग। ओ इतनी सुबह कौन आया, मतलब इतने दोपहर को। ओ मैं चेंज करने जा रही हूँ। ओके तो मैं डोर खोलती हूँ। ओ चलो मैं ओपन करती हूँ डोर को। ओ डार्बी, तुम क्या कर रही हो? सरप्राइज बारबी। ओ बेला, तुम भी रोज बेला बहुत सरप्राइज हो जाएगी। हाँ मैं आ गई। ओ मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। मुझे कैली चेल्सी से मिलना है। ओ कैली चेल्सी, देखो कौन है। इतने सारे लोग कौन है मम्मा, हम तो इन लोगों को जानते भी नहीं। कैली चेल्सी, तुम मुझे भूल गए? अरे मेरी सिस्टर है, मतलब तुम्हारी मौसी। ओ कब मिले थे? ओ मैं थोड़ी छोटी थी तब ना। हाँ हाँ तुम छोटी थी तब। मुझे कैली भूल गई, बट मैं कैली को नहीं भूली। सॉरी, मैं कौन हूँ आपको पता है? मम्मा रोजबेला आंटी बस बाल खोल कर आ गई है। ओ मैं रोजबेला नहीं हूँ, मैं रोजबेला की बहन बेला हूँ। पर आप तो एकदम रोजबेला। ओ वो जुड़वा बहन है ना, ट्विन सिस्टर। ओ मुझे तो नहीं पहचान पाए। सॉरी, अरे रुक जाओ डार्बी, तुम क्या इतना गुस्सा हो रही हो? ये है मेरी पेट। ओ ओ मुझे स्नो की बहुत याद है। इधर आओ स्नो, तुम कितनी क्यूट हो। ओ इसका नाम स्नो है मम्मा। हाँ बट मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तुम मुझे भूल गई ना। प्लीज देखो ना, एक हमारे पास एक नया डॉग भी, इसका नाम मफिन है। म्याओ म्याओ म्याओ। ओ इन लोग में फ्रेंडशिप हो गई पहले से। ओ तब ये लो। ओ तुम लोग कितने प्यारे लगते हो खेलते हुए। ओ स्पार्कल प्लीज मत जलो, आ जाओ मेरी गोदी में। हाँ मुझे पता है तुम्हें मेरी गोदी में पसंद है, पर तुम्हें जलना नहीं चाहिए। ओ इतना शोर क्या हो रहा है? बेला तुम क्या कर रही हो यहाँ? ओ दीदी। बेला तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ मैं अपनी पढ़ाई साइंस की पूरी करके आ गई आपसे मिलने। क्या तुम साइंटिस्ट बन गई? ऑफ कोर्स मैं बन गई, तभी तो मैं आई, नहीं तो जल्दी नहीं आती। ओ अच्छी बात है। मुझे इसी बात से याद आया कि मैं भी एक आर्टिस्ट बन गई हूँ। अच्छी बात है। मैं ओह तुम वापस आ गए, अच्छी बात है। क्या तुम्हारी क्लिनिक अच्छा चल रहा है? ओ हाँ बिल्कुल।
ओ मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पता चल गई थी। मैंने किसी डिक्शनरी में फ्रेंड्स तो नहीं सुना, वो मेरा नाम है बार्बी। बार्बी प्लीज मेरे लिए कुछ बनाओ ना। ओ मैंने अभी कुकीज बनाई, क्या तुम खाओगी? बेला तुम भी आ जाओ। डार्बी तुमने मुझे कहीं बताया नहीं कि तुम बेला को जानती हो। मैंने कभी नहीं, मैं इस नाम सॉरी बेला को नहीं जानती। मैं भी नहीं, मैं तो अभी इधर ही पास में गुजर रही थी तब आती हुई देखी, तो इन्होंने बोला कि बार्बी का घर कहाँ, तो मैं बोले चलो मेरा घर ही है वो, तो मैंने बोला ठीक है। हाँ तो फिर मेरी ये सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं बगल में ही रूम ले रही हूँ क्योंकि इधर रहना थोड़ा हार्ड पड़ेगा। मैं यहाँ 1 वीक रहूँगी क्योंकि मेरा घर अभी अच्छे से तो नहीं सामान सब रखे हुए हैं। ओके ओके ये कुकीज लो, पर ये कुकीज तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ खानी है। तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है? नहीं मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं, मैं अकेले खा लूंगी या फिर हम दोनों। नहीं ये फ्रेंडशिप कुकीज का बेइज्जती होगी, मुझे कोई फर्क डार भी तुम अभी तक नहीं बदली। वैसे तो तुम नहीं बदली, अच्छी बात है, पर तुम्हें फ्रेंड्स तो बनाने चाहिए। मेरे पास तो मेरे बहुत फ्रेंड बनाना कितना हाँ बोरिंग काम है। ओ तुम तो एकदम बेला जैसी हो। हाँ तुम एकदम बेला जैसी हो, बेला को भी एकदम अपनी बुक्स के अलावा किसी को फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है। तुम्हारे सामने खड़ी है, मेरा नाम है बेला, मुझे भी फ्रेंड बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। पर मेरे एक फ्रेंड है बुक्स, क्या मैं उनके साथ कुकीज खा सकती हूँ? हाँ मेरी भी फ्रेंड है पेंटिंग, मैं खा सकती हूँ उनके साथ। ठीक है तुम लोग जाओ लिविंग रूम में बैठो, मुझे हमेशा परेशान करती रहती हो। तुम दोनों जाके लिविंग रूम में बैठो केली और चेल्सी के साथ। मैं जा रही हूँ अपने पुराने वाले रूम में। अरे तुम लिविंग रूम में बैठो ना। हाँ ठीक है दो। नहीं कुकी मैं तुम लोग के लिए कुछ और बना के लाती हूँ, जाओ तुम दोनों। बोरिंग काम है। ओ क्या करे इन दोनों को तो बिल्कुल भी फ्रेंडशिप पसंद नहीं। ओ हाँ हमें कुछ तो करना होगा कि इनकी फ्रेंडशिप हो जाए एक दूसरे के साथ। क्या करे, चलो मैं प्लान बनाती हूँ, मैं फ्रेंडशिप में एकदम एक्सपर्ट हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, उन्हें खुद फ्रेंड बनना चाहिए। तो मेरी बात मानो, चलो हम लोग कोई प्लान लगाते हैं। वो रोजबेला मेरे पास एक प्लान है, हम उन्हें एक्टिविटी साथ करने देंगे तब इन लोग शायद से फ्रेंड बने। वो ये तो ब्रिलियंट आइडिया है बार्बी। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ओह बन गया। डार्बी डार्बी और बेला क्या तुम कोई एक्टिविटी एक साथ कर सकते हो? ओह पेंटिंग ऑफ कोर्स पेंटिंग, नहीं ऑफ बुक्स पढ़ते हैं चलो। नहीं पेंटिंग बुक्स पेंटिंग बुक्स नहीं पेंटिंग। अरे रुक जाओ तुम एक एक्टिविटी भी तो कर सकते हो ना। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे भी कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ। हाँ दूसरा प्लान तो मेरी जरा बिल्कुल भी नहीं हो, तुम भी निकल जाओ। मुझे पता है क्या करना है, मैं इस बर्गर में चिली भर देती हूँ और ये कहती हूँ कि ये मेरी तरफ से, तो वो खाएगी तो हम उन दोनों को एक एक बाइट देंगे तो उन लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ऊपर तुम दोनों तुमसे गुस्सा हो जाएंगे उन दोनों। हाँ गुस्सा हो जाएंगे पर फिर उन लोग साथ मिलकर हम मुझसे बदला लेने की कोशिश करेंगे ना, तो उन लोग साथ मिलकर कुछ काम करेंगे। वो हाँ तो ब्रिलियंट आइडिया, चलो करते हैं। डार्बी बेला देखो हमारे पास एक बर्गर है। तो क्या करूँ उस बर्गर का? हाँ क्या करूँ या वो बिल्कुल हेल्दी नहीं, उसको मत खाओ। ये पसंद है बट क्या क्यों लाई हो तुम बिना फालतू के? मैंने जो बोला मैंने कहा था तुम्हारे लिए स्नैक्स लाती हूँ ना मैं। शायद मैंने कहा था कि मेरे लिए कपकेक्स लाओ। हाँ मुझे लगता तुमने कपकेक्स कहा था। आजकल तुम बहुत लेजी या फिर तुम दोनों के अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम ये बर्गर खा के दिखाओ। हाँ बिल्कुल ये लो रोज बना तुम खाओ थोड़ा। तुम्हें पेंटिंग पसंद है? हाँ पसंद है, और दुनिया के सबसे बड़े पेंटिंग मोनालिसा है। हाँ मुझे पढ़ना पेंटिंग के बारे में बहुत पसंद है, बस मुझे पेंटिंग आती नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं ना। ओ मैं हूँ ना, मुझे पेंटिंग बहुत अच्छे से आती है। ओ वैसे बुक में मुझे समझ में नहीं आता कौन सी बुक मैं पढ़ूँ, तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम? हाँ तुम्हें आर्टिस्ट की साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। ओ मैंने कभी मैंने ये नाम नहीं सुना। मैं तुम्हें लाइब्रेरी में दिखा दूंगी। ओ थैंक यू, तुम कितनी अच्छी हो। ओ फ्रेंड्स? ओ ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, चलो हम लोग फ्रेंडशिप कुकीज खाते हैं। बहुत टेस्टी है, तुम भी खा के देखो। नम 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 न
चलो हम लोग कहीं सेलिब्रेट करते अपनी फ्रेंडशिप को। ओ हाँ बार्बी, पर वो हम लोग की वजह से तो फ्रेंड्स नहीं बने ना। नहीं बने पर हमारी वजह से बने। अगर हम इतने फनी तरह से भागते नहीं तो लोग कैसे फ्रेंडशिप और हंसते। शायद से तुम सही हो। ओप्स, क्या आप सही है? ओ हाँ, हर एक फ्रेंडशिप एकदम अलग होती है। हर एक फ्रेंडशिप हब सबसे अलग होती है। पर वही हर एक फ्रेंडशिप को दुनिया की सबसे स्पेशल चीज बनाता है। जैसे हम दोनों की फ्रेंडशिप बेस्ट फ्रेंड।